बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहले दो लेक्चर में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट का पहले भी आपको बताया था, इंडेफिनिट ऐसे काम को कहते हैं जो बार बार होता है, रूटीन के साथ होता है, तसलसल के साथ होता है। अगर कोई ऐसा काम है जो फ्यूचर में जाकर बार बार होगा, रूटीन के साथ होगा, उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में कहते हैं फिर मुस्तकबिल मुतलक। तो पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान इसकी है उर्दू जुमला के आखिर पे गा गी गे वगैरह के अल्फाज आते हैं। वैसे तो फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा तो उसके आखिर पे गा गी गे लाजम आएगा, लेकिन इस टेंस के अलावा अगर फ्यूचर का कोई टेंस होगा तो गा गी गे से पहले भी कोई अल्फ मारवा आएगा। लेकिन इस टेंस की क्या पहचान है? उर्दू जुमला के आखिर पे गा गी गे वगैरह के अल्फाज आते हैं। मिसालें, मैं वर्जिश करूंगा, गा आया है, हम मैच खेलेंगे, आखिर पे गे है, कल बारिश होगी, आखिर पे गी है, वो फूल खरीदेंगे, आखिर पे गे है। उस वक्त की फॉर्मेशन देख लेते हैं, इसकी बनावट देख लेते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई और बी है, उसके बाद आप शैल लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, यू, दे, ठीक है, या कोई नाम आ जाएगा, यहाँ पर नाम है देखिए, या कोई नेम आ जाएगा, आप क्या करेंगे? उस पर बिल लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी आई बी के साथ शैल आएगा, बाकी सब के साथ बिल आएगा, और दोनों के साथ जो हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, तो अब देखें एक्सरसाइज है, मैं वर्जिश करूँगा, सबसे पहले इंग्लिश आएगी आई, मैं इंग्लिश है आई, आई के साथ पता है शैल लगता है, आई शैल, आगे वर्जिश करने की इंग्लिश होती है टेक एक्सरसाइज, आई शैल टेक एक्सरसाइज। मैं वर्जिश नहीं करूंगा, आई शैल नॉट टेक एक्सरसाइज, सिंपल शैल के बाद आपका नॉट आ जाएगा, यानी शैल हल्के मार पाए उसके बाद नॉट आ जाएगा। उस बाद आप जुमला क्या, मैं वर्जिश करूंगा, शैल आई टेक एक्सरसाइज, मैं वर्जिश कहाँ करूंगा, तो सबसे पहले आप कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे वेयर, उसके बाद जैसे ऊपर सारा आपका सवाल जुमला है वेयर शैल आई टेक एक्सरसाइज। उस बाद आपका जुमला है हम मैच देखेंगे, हम की इंग्लिश है बी, और बी के साथ भी आई के साथ भी शैल है, बी के साथ भी शैल है, बी शैल वॉच मैच, हम मैच नहीं देखेंगे, बी शैल नॉट वॉच मैच, क्या हम मैच देखेंगे, तो फिर शैल पहले आ जाएगा, शैल बी वॉच मैच, हम मैच क्यों देखेंगे, कब देखेंगे, कहाँ देखेंगे, कैसे देखेंगे। अब अगर आपकी है इंग्लिश उर्दू है कि हम मैच कब देखेंगे, पहले कब की इंग्लिश आएगी वैन शैल बी वॉच मैच, कल बारिश होगी। अब जिस जुमले के अंदर मौसम का या वक्त का जिक्र आ जाए उसमें सब्जेक्ट होता है इट, इट पहले आ जाएगा, इट के साथ क्या आएगा बिल, इट बिल रेन टू मारो, यानी इस टेंस के दो हल्के मार में एक शैल है और एक बिल है, आई बी के साथ शैल है और बाकी सब के साथ बिल है। कल बारिश होगी, इट विल रेन टू मारो, कल बारिश नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टू मारो, क्या कल बारिश होगी, बिल पहले आ जाएगा, बिल इट रेन टू मारो, कल बारिश कब होगी, कल बारिश कहाँ होगी, कल बारिश कैसे होगी। अब इस जुमले में आएगा कल बारिश कब होगी, तो वैन पहले आ जाएगा, वैन बिल इट रेन टू मारो। उस बार आपको जुमला है वो फूल खरीदेंगे, अब वो सम्राद अगर आप एक ले रहे हैं तो वो सम्राद अगर आप एक है तो फिर ही या शी आएगा, वो सम्राद अगर आप ले रहे हैं एक आदमी है तो फिर ही, वो सम्राद अगर एक औरत है तो शी, वो सम्राद ढेर सारे लोग हैं तो फिर दे, तभी आपका क्या आएगा दे, दे विल बाय फ्लावर्स। उसके बाद वो फूल नहीं खरीदेंगे, दे विल नॉट बाय फ्लावर्स, क्या वो फूल खरीदेंगे, बिल पहले आ जाएगा, बिल दे बाय फ्लावर्स, वो फूल क्यों खरीदेंगे, बाय बिल दे बाय फ्लावर्स। तो इस टेंस को हमने देखा, तो ये जैसे पहले आपको कहता हूँ ये तो सिर्फ तीन चार जुमलों की हमने प्रैक्टिस की है, तो अगर आप इसमें माहिर होना चाहते हैं तो जितने ज्यादा जुमलों की आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके